Hello everyone, hi, good evening and most welcome. Hi Mona, hello Fatima, hello Free Fire Gaming Master. Good afternoon and most welcome to the channel Physichem Academy. This is Divya Agarwal and it's been a long time, long break after which I'm coming live. Okay, so this is specially for the students of IIT JAM 2022 and the students, those who are preparing for GATE and CSIR NET. ओके जो कि मोस्ट प्रोबली पोस्टपोन हो सकता है, हम गारंटीड तो नहीं कह सकते बट हाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस. ओके बट देखो पोस्टपोन हो या ना हो हमें तो पढ़ना है. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वन शॉट मैराथन सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर या पूरी की पूरी यूनिट को एक सीरीज में ही एक स्ट्रेच में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब माइक्रो नोट्स के फॉर्म में. ओके ये जो स्लाइड्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मतलब मैं ऑलरेडी आपको पीपीटी में नहीं पढ़ा के पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ, मतलब ये जो स्लाइड्स हैं आपको ये पीडीएफ आपको एज सच टेलीग्राम पे मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, ओके वो आप लिख सकते हैं, तो आप अभी सिर्फ समझें, ठीक है, देखें. एंड गाइज यू आर विद दिव्या अग्रवाल. ओके सो ओके रहमत, हेलो रहमत, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड ना, ऑल गुड ना. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे मोर ऑफ, इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं सारी की सारी हम वन स्ट्रेच में कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है. तो अब आप खुद से रिवाइज करेंगे, दैट इज आल्सो गुड, बट मैं एक ही फॉर्म में पूरा पूरा कंप्लीट आपको करा दूंगा. इसके जो क्वेश्चन होंगे जनरली अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस में होंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है गाइस बेसिकली वो है हमारा वन शॉट रिविजन मैराथन, और ये बेसिकली किया लिया जा रहा है फ्रॉम बुक लेडन, और रोज ये 12:30 PM होगा. ठीक है, आज 12:40 पे स्टार्ट हुआ है, उसका कारण था कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था जिस वजह से नहीं स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट 12:30. ठीक है, बट कल से 12:30 ही होगा, कभी कभी 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाए तो डोंट वरी. ओके स्टे ऑन द चैनल. ओके सो इसमें आज हम क्या कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशंस तो आज नहीं हो पाएंगे, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय टुडे एंड उसकी जो एप्लीकेशंस हैं विल कंप्लीट इट बाय टुमारो, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर किए बिना. ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. ओके हाय ममॉन, हेलो एवरीवन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को. ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. इंट्रोड्यूस क्या मतलब, आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, हम सिंपली दिस इज योर, एक तरह से आप समझ लो दीज आर योर माइक्रो नोट्स, है ना. थोड़ा सा कोशिश करूँगी सीधा और साफ लिखने का. ठीक है, तो माइक्रो नोट्स हम बेसिकली कवर अप करेंगे. ओके तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, राइट. दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके जो एप्लीकेशंस हैं, और उसी के साथ में हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है. ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये आपका यूनिट वन है, तो ये हम अभी कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. ठीक है, तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या एक्सप्लेन करती है. ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है. अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो फिर आपके लिए समझना चीज़ें थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. आप मेरी बात समझ रहे हो. ठीक है, तो अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दो तरह की चीज़ें समझनी हैं. एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वन इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड थिंग इज इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या देखना है, पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, दूसरा हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं. सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड जो चीज़ होगी दैट विल बी इंडक्टिव इफेक्ट. थर्ड थिंग विल बी सिग्मा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक तो है आपका पाई बॉन्ड. ठीक है, जहाँ पे आपके पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझाने के लिए, या
स्टेबिलिटी समझाने के लिए। एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपको समझना है इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से इसको हम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस होती हैं गाइस। तो एप्लीकेशंस बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं एप्लीकेशंस में। एक होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये आपका अलग ब्रांच हो गया, अलग पार्ट हो गया, ठीक है। और इसी में फिर हमारा आता है एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है, दैट यू जस्ट हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस, ओके। आपको सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आप पूरे सीक्वेंस से चलेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो फिर आपको चीज़ों में डिफिकल्टीज आएंगी। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो, मैं आपसे एक चीज़ का सजेशन मांगना चाहती हूँ, जस्ट वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू। एक तो है जहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज क्या करें, हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहला कि हम उसको थियोरी को वन स्ट्रेच में पढ़ें, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को वन स्ट्रेच में पढ़ें, ठीक है, वन स्ट्रेच में यूनिट वाइज क्वेश्चंस को करें, ठीक है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि थ्योरी को लें और उसके साथ में हम क्वेश्चंस को भी साथ साथ में लेते चलें, ओके। तो अब आप मुझे ये बात बताएंगे कि व्हाट डू यू वांट, है ना। आपको थ्योरी इन वन स्ट्रेच चाहिए ओनली, क्वेश्चंस इन वन स्ट्रेच चाहिए ओनली, या फिर थ्योरी एंड क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन चाहिए इस पर्टिकुलर वन स्ट्रेच वीडियो में। आप मुझे ऑप्शंस 1, 2, 3 नीचे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। थ्री क्वेश्चंस एंड थियरी चाहिए, ओके, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम आपको थियरी, मतलब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, और उससे रिलेटेड हम लोग पी वाई क्यूज़ को कनेक्ट करेंगे, है ना। पी वाई क्यूज़ जैसे कि हमारे किसके हो जाते हैं, जेई के हो जाते हैं, हमारे सी एस आई आर नेट के होते हैं, ठीक है, हमारे गेट के होते हैं, और हमारे जैम के होते हैं, ठीक है। और हल्के फुल्के हम लोग थोड़ा एमएससी एंट्रेंस के भी ले लेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? तो दिस वन इज फाइनलाइज्ड, थियरी अलोंग विद द पी वाई क्यूज इज फाइन फॉर दिस क्लास, यस, ओके, ठीक है। तो हम फिर ऐसे ही कर लेंगे। चलो ठीक है, तो अभी के लिए हम पढ़ते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, अब देखो डिटेल में नहीं रहेगा, सब 22 वाले हैं ना, एनी एवरी वन इज ऑफ ईयर 22 ओनली नो। तो हमारे पास में गाइस क्या है, रेजोनेंस को हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम रेजोनेंस को समझ रहे हैं,
तो रेजोनेंस को समझने के लिए आपको हमको तीन चीज़ों का सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं और हम कहाँ कर रहे हैं, है ना। हम क्यों कर रहे हैं रेजोनेंस, हम कैसे करते हैं रेजोनेंस और हम कहाँ करते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर हम वाई का जवाब देखें तो देखो हमारे पास में एनिलीन है, ठीक है। इसको अगर हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेंगे तो गाइज इसके पास में जो हमारे क्या है यहाँ पे आपको लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, है ना, रेजोनेंस करते हैं। तो रेजोनेंस करने का मतलब क्या हो गया, सिंपली जैसे ही वो रेजोनेट करेगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा और सिमिलरली ये फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा, और जब वो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा तो ये इस तरह से कुछ बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली वो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकता है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बार बार जनरेट हो रही हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपली गाइस ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ऑर्थो पोजिशन है और जो आपका पैरा पोजिशन है, जो आपका ऑर्थो पोजिशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की अटैच होने की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी होती है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी है तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट में जाना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच साइट क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो गए, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है, हाई हो गई है। ये किसने हमें बताया, ये हमें बताया रेजोनेंस ने। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती तो वो यहाँ पे प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, आप समझ रहे हो, ठीक है, ओके। सो इस वजह से क्या हुआ, हमें रेजोनेंस की मदद से ये पता चला कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा, वो मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। बिकॉज जो हमारी मेटा पोजीशन है आप देख सकते हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जनरेट ही नहीं हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या पैरा पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से हमें रिएक्शन के होने की संभावना ऑर्थो पे और पैरा पे है ये पता चली, ठीक है। तो ये हो गया कि हम रेजोनेंस से एक तो रिएक्टिविटी समझते हैं, है ना, कि कौन कितना रिएक्टिव है, क्यों है, क्या है, और दूसरा हम देखते हैं स्टेबिलिटी, है ना। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक ये कार्ब कैटायन है और हमारे पास में एक ये कार्ब कैटायन है, ठीक है। सोचो ये वाला कार्बन है, दिस इज योर सेकेंडरी कार्ब कैटायन, और जो ये वाला कार्ब कैटायन है दिस इज प्राइमरी कार्ब कैटायन, ओके। तो अगर हम वन और टू को देखें तो विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा वाला कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पे जा रहे हैं, और तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के होने से क्या आती है, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा प्लस आए, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, है ना, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन दैट ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वन और टू में से जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मोर स्टेबल, वाई, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो हमें क्या पता चला कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों रेजोनेंस की स्टडी कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि
कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई हम रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे हाउ, है ना, हाउ मतलब कैसे करते हैं रेजोनेंस, है ना। तो अगर आप हाउ की बात करते हैं तो हाउ का सिंपल मतलब क्या हो गया, तो पहले हम लिख लेते हैं, चलो, है ना, हम इसको लिख सकते हैं कि रेजोनेंस हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो रेजोनेंस पहली चीज तो बताता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है ना, हम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, किस पोजीशन पे करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अ आयन और मॉलिक्यूल, ऑल्सो स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन, यू कैन से कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये हमें रेजोनेंस बताएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो सवाल उठता है वो है हाउ, हाउ मतलब कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स, है ना। पी ऑर्बिटल्स मतलब दी शुड बी प्योर पी, प्योर पी का मतलब क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, जिनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो प्योर पी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस चाहिए जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट हों, विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। वॉट डज दिस मीन, इट सिंपली मीन्स लाइक हमने इस तरह से कुछ बनाया, ठीक है, और इसके पास में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। और सिमिलरली हमने एक और डायग्राम बनाया और यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर अगर हमने इस तरह से पाई बॉन्ड बनाए हैं तो ये एटलीस्ट रेजोनेंस कर सकते हैं, बिकॉज दीज प्योर पी ऑर्बिटल्स आर पैरेलल एंड आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बट अगर हम यहाँ की बात करते हैं, से यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ओके, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ना ही इधर से इधर रेजोनेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक जो कार्बन है वो कैसा हो गया, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि यहाँ पे देर इज नो प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो अगर कहीं पर प्योर पी ऑर्बिटल है ही नहीं तो व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स कि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, आप समझ रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो रेजोनेंस है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन विच यू शुड नो फ्रॉम हियर, ओके, दैट अगर आपको रेजोनेंस करवाना है देन देयर शुड बी एटलीस्ट वन प्योर पी ऑर्बिटल। तो दिस इज द हाउ बिहाइंड रेजोनेंस। थर्ड थिंग इज वेयर, मतलब कहाँ होता है रेजोनेंस, है ना, कहाँ पे होता है। तो रेजोनेंस होने के लिए वैसे अगर मैं तो बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ तो इस तरह से हमने लिखा, यहाँ पे अगर कोई कार्बन है जिस पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे रेजोनेंस होने के 100% चांसेस हैं, वहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लेते हैं इस चीज़ को, जैसे कि पहली चीज़ एक होता है हमारा लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में बेसिकली क्या है, जैसे हमने इस तरह से बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने OH लिया, यहाँ पे हमारे पास में लोन पेयर्स है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे सॉरी रेजोनेंस कर पा रही है। तो आपके जो भी स्पेशीज हैं जिसके पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट, इट कैन बी OH, इट कैन बी NH2,
इट कैन बी एनी स्पेशी और एनी अदर स्पेशी, जैसे कि फ्लोरीन हो गए, तो ऑक्सीजन का पूरा जो फैमिली मेंबर है ओ सी टी ओ। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये कर सकते हैं, बट यार नीचे जाते जाते आपको पता है कि ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, तो ऑर्बिटल का साइज अगर बढ़ेगा तो फिर ओवरलैपिंग में दिक्कत आएगी, तो ऊपर वाले ना सेकंड थर्ड पीरियड वाले थोड़ा सही से ओवरलैप कर लेते हैं, बाकी नीचे वाले नहीं कर पाते है ना। बट लोन पेजन सब में मौजूद है, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में? ओके, अब दूसरी पॉइंट इसमें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब ये जो लोन पेयर्स हैं है ना, जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकलाइज्ड और एक होते हैं हमारे